गड्डी परे ओ छोवारे आदी गड्डी परे ओ छोवारे आदी ऐ मोजे को तू मिलनी जेडी मोजे को वारे आदी सो गुड मॉर्निंग गाइज फ्रॉम डे टू और आज है दूसरा दिन और आज भी घर पे चल रही प्रिपरेशन। तो आज हमने ये वाला एरिया थोड़ा सा डेकोरेट करा है और बाकी आज टेंट का काम हो गया घर पे चलू, इधर लाइट सही नहीं आ रही है तो यहाँ पे पिछली तरफ हो गया टेंट का काम कुछ चालू और टेंट वगैरह आज लगने वाले। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे गांव में एक बुढ़ी अम्मा थी जो चुकी है डेथ, तो थोड़ा हो सकता है कम सम करना पड़े। बट एक शादी आज मेरे घर में गांव में और लगी है तो कुछ करेंगे, मेरे को नहीं पता, डोंट नो कि क्या करते हैं उसमें। बाकी कल हमने झंडा चढ़ा दिया था, आपने लास्ट वीडियो में देख लिया है, गुरु महाराज के लिए हमने झंडा लगवा दिया है। और आज है थोड़ा सा घर को डेकोरेट करने की बारी, तो आज टेंट वगैरह लगा रहे हैं और साथ में हमारे पिताजी सोए हुए, शादी से कुछ दिन पहले पिताजी गिर गए थे तो उनको प्लास्टर वगैरह लगाना पड़ा है। तो थोड़ा सा ये बड़ा मतलब बोलते हैं ना कि दिल वगैरह शांत हो गया तो वो हो चुका है। और बाकी अभी जा रहा हूँ मार्केट में, थोड़ा सा भाई आज ट्रिम वगैरह कराते हैं, काफ़ी दिन हुए दाढ़ी रखे हुए बाल रखे हुए तो थोड़ा अच्छे से डेकोरेट होते हैं। और बाकी एक दो काम और कांगड़ा में वो ख़त्म करते हैं आज, क्योंकि आज के बाद उनको मार्केट वगैरह जाने नहीं दिया जाएगा। और बेसिकली आपको मैं शादी वाला रूम दिखाता हूँ, तो ये शादी वाला रूम और ये मन्नत का चले हैं पेपर। हेलो मन्नत, हेलो कर दे। तो मन्नत कैसे हो रही है पढ़ाई? और ये देखो पूरी चीटिंग हो रही है, ये चीटिंग वाली कॉपी है, अगर इसकी मैम वीडियो देख रही है तो देखना। और ये मेरा आखिरी आंसर है। और ये भाई, भाई हेलो कर दिए। हेलो भाई, सब ठीक है? तो भी चलते हैं जल्दी से, तो भी चलते हैं जल्दी से मार्केट और मिलते हैं आपको सीधा मार्केट में, या तो मार्केट का वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं, घर पे मिलूंगा आपको, ठीक है मिलते हैं आपसे। तो भैया फाइनली डे 3 है और घर का कुछ डेकोरेशन इस तरह से, अभी आपको पीछे फोकस करके दिखाता हूँ, फोकस नहीं हो रहा है। और अभी घर पे तैयारियाँ चल रही है, रात को आज मेहंदी है बट घर वालों ने भी प्रिपेयर कर दिया मेहंदी लगाना। बाकी जो भी अपने मेहमान वगैरह अभी तक आए नहीं है, और अपने पिताजी ये देखो क्या हो चुका है जी, बैठे हुए हैं। और ये देखिए मम्मी से पूछता है कि मम्मी कितनी खुश है शादी में। तो पहले मम्मी के देखिए जी, फिर मम्मी बताओ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा, हाँ जी अच्छा। और ये दीदी, दीदी क्या चल रहा है बताओ? मेहंदी लगा रही हूँ मैं तो। हैं चला लगा था ये देखो, नाइस, बहुत अच्छी मेहंदी लगाते हैं, इसको भी लगवानी है। मम्मी बोले लग दी बाती तो मुंह पर, पर अभी याद नहीं मेरे को क्या पता। और यहाँ पे चल रहा है ताई का मेहंदी का काम, फिर ये है अपनी नौकरानी जो हम चंडीगढ़ से लाए हैं, देखना इधर नहीं। और हम इसके चेहरे पे करेंगे फोकस, अरे देखिए हमारी चंडीगढ़ वाली नौकरानी, भूत वाली नौकरानी। तो बेसिकली भैया अपने यहाँ एक रिवाज होता है कि जो लड़के की माँ आती है लड़के के साथ में मेहंदी भी लगाती है, तो बेसिकली मेरी मम्मी और ताई और दीदी ने कर दी है प्रिपरेशन मेहंदी की, तो अभी मेहंदी वगैरह वो लगा रहे हैं। बट जो मेहंदी की सेरेमनी है वो होगी आज रात को, जो कि आपको मैं ग्लिम्प्स में दिखा दूंगा। बट पता नहीं भाई मैं वीडियो बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा, पीछे कह रही है मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे डेकोरेट करा, तो कुछ डेकोरेट करा है। यहाँ पे हम रखेंगे कुछ खाने पीने वाला जुगाड़ सारा यहीं पे रहेगा जो भी धाम वगैरह होगी। और ये है अपना तांत्रे वाला कमरा, तांत्रे वाला कमरा समझते हैं ना क्या होता था? कान खोल करके सुन लीजिए, तांत्रे वाला, तो ये वो वाला कमरा है ठीक है। और अपनी फैमिली यहाँ पे कर रही है एंजॉय, तो अभी देखते हैं और मेहमान आने कब चालू होते हैं, सबसे पहले मामे वगैरह आते हैं वो वगैरह आते हैं, देखते कितना टाइम में वो आते हैं, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में।
तो भैया आज हमारे घर में लग रही है मेहंदी, और देखिए दो आर्टिस्ट भूटान से आए, एक भूटान से आए, एक नेपाल से आए हैं। ये देखिए, ये देखिए कलाकारी देखिए, ऐसा लगता है हाथ को कटा के ताजमहल में रखवाना पड़ेगा। और देखिए कलाकार हमारे कितना चहचहाते हुए, और ये देखिए भूटान वाले आर्टिस्ट, देखिए जरा इनकी हंसी, चाइनीज हंसी। जब मैं तेरे जैसा था ना भाई, तो मैं हाथ में करता था पटाखे, तू भी करके दिखा। और देख नॉर्मल था यार, क्योंकि भाई हम लोग है किक भाई, हम देखो हम स्लो स्लो मोशन में जाते हैं, तो ऐसे ऐसे देखो पीछे फूटने लग पड़ते हैं। और ये निकला फुस्सी बम। तो भाई लोग फाइनली खाना बन रहा है अपने जो रिश्तेदार वगैरह हैं आज, और अपने जो पुराने कुक हैं अपने भाई साहब, वो लगे हैं बनाने के लिए, तो उनसे जानते हैं कि आज खाने में क्या क्या बन रहा है। तो भैया बताइए आज खाने में क्या क्या बन रहा है। माँ की दाल और खट्टा और चने की दाल। तो भैया आज के दिन अपने मामे मासियाँ और बुआ वगैरह आ जाते, तो आज के दिन बेसिकली उन्हीं के लिए खाना बनता है, तो आज वही 2 से 3 सब्जियाँ बनाएंगे, और बाकी जो कल है कल दाम बनेगी, परसों दाम बनेगी, और यहाँ पे भी मेहंदी वगैरह का काम चल रहा है। चलिए इनके पास चलते हैं जल्दी से। तो मासी जी पहुँच चुके हैं, ये हमारी सिस्टर, और चल रहा है मेहंदी का काम। और ये देखिए नेपाल वाले लोग मेहंदी लगाते हुए, और ये देखिए अब इनकी स्माइल। तो क्या हुआ, गद्दी परे ओ छोवारे आदी, गद्दी परे ओ छोवारे आदी, ऐ मोहे कुतु मिलनी जेडी मोहे कुवारे तू ता बोल दिया बात जने, ता बोल दिया बात जने, वालू को भी बनाए हुए ने, वालू को भी बनाए हुए ने,
Mamu me lerde.